हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ फिर से एक गार्डन डेकोरेशन वीडियो। यहाँ मैंने कुछ ब्रिक्स फिर से कलर किया है और इसे यू शेप में मैंने लगा लिया है। इसके अंदर मैं रखने वाली हूँ मेरा प्लांट का जो टब है, फ्लावर प्लांट का टब है, वो लगाऊंगी मैं। और इसके नीचे मैंने दो दो ब्रिक्स लगा दूंगी, कलर किया हुआ है। तो यहाँ लगा दिया मैंने ब्रिक्स और टब भी लगा दिया। अब देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये जो टब है ये मिट्टी का है, इसके ये भी डिसकलर हो गया था तो मैंने इसको कलर कर दिया था। यह है येलो रोज़। और बाकी जो बाकी रह गया वो भी डिसकलर हो गया है, उसको भी मैं कलर करूँगी। अब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है मेरा फ्रंट व्यू। और मेरा गार्डन जो है वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने वन साइड का वीडियो करके आप लोगों के साथ शेयर किया। दूसरा साइड जब मैं डेकोरेट करूँगी तो फिर से आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर करूँगी। अब जानते हैं, अब सीजनल फ्लावर निकल रहा है और हमने यहाँ सीजनल फ्लावर ही लगाया है, लेकिन उसमें कुछ में फूल आया है, फ्लावर आया है, और कुछ में नहीं आया है क्योंकि अभी पूरा सीज़न नहीं आया। और एक दो फ्लावर आया है, इसलिए देखने में उतना ही अच्छा नहीं लग रहा है। जब पूरा फ्लावर निकल जाएगा तब मैं आपके साथ फिर एक नई वीडियो शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं आपका गार्डन भी ऐसा दिखने में अच्छा लगे और सुंदर लगे तो आप भी ये कर सकते हैं। ये बहुत इजी प्रोसेस है। देख सकते हैं फ्लावर आ गया है, लेकिन बहुत सा फ्लावर में अब कली निकल रहा है, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि हमने ब्रिक्स कैसे कलर किया था, स्टोन कैसे कलर किया था, और ये जो आर्निका प्लांट है इसका वीडियो भी मैंने डाला था मेरे चैनल पे। आप जाके देख सकते हैं उसमें कैसे मैंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत दिन हो गया है, एक महीने पहले मैंने इसे डेकोरेट किया था, जैसे किया ऐसे ही रह गया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि व्हाइट कलर मैंने किया है तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और आर्निका प्लांट कलर करने के बाद डेकोरेट